जंग में दरियाए जेहलम की तबाहकारियां, बेपरी मौजों ने मजीद 30 से ज्यादा देहातों को डबो दिया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासिर अफराद का कहना था कि साल भर की कमाई आंखों के सामने बह गई। बड़ा जबरदस्त कटाव, उससे सारे देहात तकरीबन 25-30 के लगभग जेराब आ गया, सारी फसलें तबाह हो गई हैं। जानों के जो चारा था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मकई कपास ये बिल्कुल फसलें तबाह हो चुकी हैं। मंडे सैयद, सभ्यानागर, कोल्ट मालदेव, दोसा कुरैशी, कोला नेक मोहम्मद और दीगर इलाकों का शहर से जमीनी राबता भी मुनकता हो गया। बिजली की सप्लाई भी मौतल है, स्कूल्स और मराकज़ सेहत भी पानी में डूब गए हैं, अहले इलाका घरों में महसूर हो गए। इंतजामिया के मुताबिक पानी चढ़ना मामूल की बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिन गरीबों के घर जायदाद और फसलें तबाह हो गयी, उनका नुकसान कौन पूरा करेगा? क्या हस्बे रवायत हुकूमत गफलत की नींद सोई रहेगी?